हमने ये गलत को जोड़ दिया है। अब बाजू लगाने के लिए पहले हम लोग शेपिंग चेक करेंगे, यानी बाजू का शेपिंग वाला हिस्सा बॉडी के सामने पार्ट में ऐड होना चाहिए। ये देखिए, ये शेपिंग वाला पार्ट है, ये सामने की ओर है। अब बाजू को पलट के बाजू को गोलाई में सिल देंगे। हमने दोनों बाजुओं को अटैच कर लिया है। अब साइड का फिटिंग डालेंगे। गले में पाइपिंग बनानी है, पाइपिंग हम लोग बाद में बनाएंगे, पहले सूट का फिटिंग डालते हैं। फिटिंग का निशान हम लोग पहले से ही लगा के रखे हुए हैं, यह निशान सिर्फ बॉडी पे किया हुआ है। बाजू में 10 इंच का मोहरी है, यानी 5 इंच का निशान लगाएंगे। इस 5 इंच को बॉडी के फिटिंग के साथ चौक से मिला देंगे। सिलाई को बाजू के मोहरी से सिलते हुए चाक तक लेके जाना है और फिर चाक से रिटर्न बाजू के मोहरी तक ही आ जाना है। ये देखिए, सिलाई को चाक तक लेके जाना है, चाक के पास सिलाई को लॉक कर लेना है और वहीं से बैक लौट के मोहरी तक निकल आना है। ये देखिए, ये सिलाई इस तरह से मोहरी से निकल जाएगी। इसी तरह हम लोग दूसरे साइड का फिटिंग के निशान पे भी सिलाई चलाएंगे। हम लोग सूट का चाक बनाएंगे। देखिए, सूट का चाक बनाने के लिए सामने के दामन को पहले मोड़ेंगे। सामने के दामन को मोड़ते हुए चाक तक सीधी लाइन में सिलाई चलानी है। इस जगह को चाक बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे स्क्वायर में कपड़े को घुमाना है। पीछे के दामन को भी बराबर से मोड़ेंगे। इसी तरह से दामन को नीचे की ओर सिल देना है। देखिए, एक साइड का दामन रेडी हो गया। इसी तरह से दूसरे साइड का दामन को भी सिलेंगे। इस तरह से हमारा दामन रेडी हो चुका है। अब गले में पाइपिंग डालेंगे। देखिए, गले में पाइपिंग डालने के लिए हम लोग पाइपिंग पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। गले में पाइपिंग की जगह हम लोग तिरछा पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग पाइपिंग पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। पाइपिंग करने के लिए पहले पट्टी को गले के साथ सिलना है। गोलाई में पूरी पाइपिंग पट्टी को गले में लगा देंगे। इस तरह से पाइपिंग पट्टी को सिलते हुए आप इसमें जोड़ देंगे। पाइपिंग में कोट डालने से पहले गले में छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, ताकि गले की गोलाई और डिजाइन के पोर्शन में मोड़ ना आए और गला बहुत खूबसूरती से बैठे। इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम लोग पाइपिंग कोट डाल के गले की पाइपिंग को तैयार करेंगे। अब पाइपिंग कोट को डाल के स्टिच करेंगे। देखिए, पाइपिंग कोट को इस तरह से पाइपिंग पट्टी के नीचे लगानी है और ऊपर से सिलाई को डालना है।
तरह से हमारा पाइपिंग रेडी हो जाएगा। पाइपिंग लगाने के बाद पीछे का जो पट्टी है उसे मोड़ के हेमिंग करनी है या फिर मशीन स्टिच डालनी है। इस तरह से पाइपिंग पट्टी के एक्स्ट्रा कपड़े को मोड़ के सिल देंगे। इस तरह से हमारे गले में पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब पीछे के गले में डोरी लगाएंगे। इस कपड़े के टुकड़े से हम लोग बांधनी बनाएंगे। पहले एक लटकन लगाएंगे, फिर उसी पे और एक लटकन लगाएंगे। इसके ऊपर और एक लटकन लगाएंगे। इस लटकन को लगाने के लिए थोड़े ऊपर से लटकन को सेट करेंगे इस तरह से। ये हमारा लटकन बनके तैयार हो गया। इसी तरह और एक लटकन बनाएंगे और सूट में लगाएंगे।